हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी फर्नीचर। सो गाइस, आ रहा है आपके लिए एक नया यूनिक वीडियो जो कि कटर मशीन से रिलेटेड है। और जो हमारे नए कारपेंटर भाई हैं जो इस फील्ड में अभी आए हैं नए नए काम सीखने के लिए, उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। शायद इसलिए कि एक कटर मशीन है और उसकी ब्लेड कैसे सेटिंग की जाती है और उसको चलाने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। क्योंकि कटर मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी सी मिस्टेक होने के बाद में हमारी हाथ पांव कट जाती है, और यही छोटी मोटी गलती हमारे लिए बहुत घातक बन जाती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो बने रही है और कंटिन्यू वॉच कीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जो ये काम जानते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे नए कारपेंटर भाई के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेलो गाइस, जैसा कि मैं अपने साइड पर आ चुका हूँ, और ये वीडियो सिर्फ हमारे नए कारपेंटर भाई के लिए है जो काम सीखना चाहते हैं और इस लाइन में अभी बिल्कुल नए नए हैं। और जो हमारे पुराने कारपेंटर भाई, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको कटर मशीन में ब्लेड लगाने का तरीका नहीं आ रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आप वीडियो को स्किप ना करें। ये ब्लेड देखिए, ये दांत एक आगे तरफ जाती है और एक उल्टा करेंगे तो हमारी पीछे तरफ आती है। तो बहुत सारे कारपेंटर भाई क्या होते हैं, नए जो सीखने वाले होते हैं, ब्लेड को यूँ उल्टा लगा देते हैं। इससे क्या होगी, खतरे हो जाएगी। कभी भी हम मशीन चलाएंगे तो ये मशीन हमारे पीछे तरफ आती है, जिससे हमारा पैर भी कट सकता है। तो ध्यान दें, ये ब्लेड हमेशा आगे तरफ ऐसा निकला हुआ, ये वाला हिस्सा वही लगाएं। तो ब्लेड लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले इसको ब्लेड को यहाँ रखें, उसके बाद से एक कैप आता है इसको लगाएं, फिर इसके बाद में इसको हमेशा उल्टा टाइट होता है, इतना ध्यान जरूर रखना आप, उल्टा टाइट होता है। और खोलने के लिए आपको ये सीधा खुलेगा, कभी ध्यान देना चाहिए इसको, ये उल्टा ही टाइट होता है, सिर्फ कटर ब्लेड का ऐसा होता है। तो मैंने इसको टाइट कर रहा हूँ, एक्चुअली हमारे पास अभी प्लायर नहीं है वो। तो उसके बाद से यहाँ पे जो एडजस्टर होता है, इसमें अपना नट टाइट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ टाइट कर दिया, अगर आपके पास स्पैनर है तो अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है स्पैनर तो मैं इसके मदद से मैं टाइट करता हूँ। किसी दांत में फंसा लीजिए, दांते फंसाने के बाद में यहाँ से हल्का आप इसको टाइट कर दीजिए, हल्के यहाँ से, ये हमारा ब्लेड टाइट हो गया। ज़्यादा टाइट ना करें, इसलिए कि जब हमारी ब्लेड मशीन चलती है तो उस टाइम में खुद ब खुद टाइट हो जाती है। तो ये हमारा हो गया मशीन में ब्लेड सेट करने का सही तरीका। तो हमारे इस तरह से नए कारपेंटर भाई इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने का धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस तरह के कारपेंटर से संबंधित और वीडियो चाहिए।